उसका अपना जीने का तरीका है। मैं पिता बना, मैंने बच्चे पैदा की, मेरी मैंने बेटी भी पैदा की, मैंने बेटा भी पैदा किया, तो उसमें मेरा गुनाह थोड़ी है यार। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी एक बहुत ही बड़ा खबर निकल कर बाहर आया है। भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री का ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाला के शैलल यादव के बेटी कृति यादव के ऊपर गीत गाया था मिथुन कुशवाहा, वो अभी गिरफ्तार कर लिया है। के शैलल यादव ने उसके ऊपर इतने बड़े एफआईआर लिखवाए थे कि नहीं उसे पानी पीने के लिए मौका दिया, नहीं खाना खाने के लिए मौका दिया, सीधे उसे जेल के अंदर ही डलवा दिया शैलल यादव। और भी क्या क्या किया है शैलल यादव मिथुन कुशवाहा के साथ में, सारी जानकारी में देने वाला वो आप सभी को इसी वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक ले बने रहना आप सभी। इससे पहले आप सभी से मेरा छोटा रिक्वेस्ट है कि आप सभी कृति यादव और शैलल यादव को दिल से पसंद करते हैं तो इस वीडियो की लाइक कर दो और साथ में चैनल की सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दे कि आप तक पहले पहुँचे भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री का न्यूज। आप सभी को तो ये पता ही हुआ कि शैलल यादव के बेटी कृति यादव के ऊपर गीत गाया था मिथुन कुशवाहा, इतने गलत गीत गाया था कि शायद आप सभी सुने होंगे तो जरूर उसे गाली दिए होंगे। इसी को देखते हुए शैलल यादव ने यह कहा है मिथुन कुशवाहा से कि आज मेरे बेटी के ऊपर गीत गा दिया, कल किसी और के बेटी के ऊपर गीत गा देंगे, क्या ये सही बात है? इसीलिए शैलल यादव मिथुन कुशवाहा को जेल के अंदर करवा दिया है। आप सभी को क्या राय है, शैलल यादव कर रहा है गलत कर रहा है कि सही कर रहा है? जरूर अपना आप सभी कमेंट करिएगा।